कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मार्केट के अंदर आजकल ये बहुत ज्यादा बड़ा स्कैम चल रहा है। कुछ लड़कियां उन्होंने रखी हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो आपको कहते हैं जी आप हमारी टीम के साथ आए, मिलें, इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको कहता हूँ यार, ये 100% मार्केट के अंदर स्कैम चल रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये आप मेरी स्क्रीन के ऊपर मेरा मोबाइल देख रहे हैं, मैंने इसमें $7, $6, ठीक है, दो दफ़ा $4, एक दफ़ा $2, ठीक है, $29.5 का ये मेरा प्रॉफिट था, इसमें से $2 का मुझे लॉस हुआ है और $27.5 ये मेरे पास बनते हैं। और यहाँ पे आप चेक कर लें, ये 8,415 रुपीज़ बनते हैं, ये मैंने अर्न किए हैं सिर्फ 2 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 2 आवर्स के अंदर मैंने अर्न किए हैं। मैंने इसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की है, मैं अभी आपके साथ वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ। बेसिकली ये मैंने ट्रेडिंग से अर्न किए हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है, जस्ट जैसे बाइनेंस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ बिगनर लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता इस चीज़ का। अब अगर यहाँ पर आएँ तो अगर देखेंगे, ये मेरे वैसे की वैसे ही, जैसे मैंने रात में ये ट्रेडिंग की है, वैसे का वैसे ये देखें, इसी तरह लाइंस वगैरह लगी हैं। मैं आपको बड़ी सिंपली यहाँ पे गाइड करता हूँ, मैंने इसमें कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ किया, ठीक है, जस्ट मेरे सिर्फ एक इंडिकेटर लगा है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस लेवल विद लक्स, ठीक है, एल्गो का, ये जो मार्क कर रहा है ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, ये देखें, ये वाले की लेवल्स मार्क कर रहा है ये सिर्फ, ठीक है, एक ये उसने नीचे 2 मार्क किए, बाकी ये लाइन्स जो है ये मैंने खुद लगाई हैं। अब इसको भी मैं अगर रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये देखें, अब इंडिकेटर रिमूव हो गया। अब मैंने क्या क्या देखा था कि मार्केट थी जो कुछ साइडवेज आ रही थी। अब अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो, ये जो मेरा प्रॉफिट है ना, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और ये एक मैंने प्रॉफिट जो गेन किया है जी, ये इस कैंडल पे किया था, यहाँ से मार्केट चली थी यहाँ तक, और मुझे पता था कि यहाँ पे एक की लेवल है मेरा, मैंने यहाँ तक प्रॉफिट लिया। उसके बाद फिर मैंने लिया ये 2 कैंडल्स पे, फिर उसके बाद जब कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक किया तो नेक्स्ट मैंने अगेन इसमें एंट्री ली और एक मैंने प्रॉफिट यहाँ तक लिया, और फिर उसके बाद 2 मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट लिए थे, वो तकरीबन यहाँ पे ये जो कैंडल्स बन रही है मेरे पास, इन्हीं के अंदर अंदर मैंने छोटे से टाइम फ्रेम में अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया। और ये मैंने सिर्फ 2 आवर्स की ट्रेडिंग की है, 2 आवर्स से ज़्यादा मैंने ट्रेडिंग नहीं की थी ऑलमोस्ट। तो ये बेसिकली आपको बताने का पर्पस ये है कि अब इसमें अगर आप देखेंगे तो मेरे पास किसी किस्म का कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा, जस्ट मैंने ये लाइंस लगाई हैं और ट्रेंड लाइन ड्रा की है। अभी जो करंटली सीन मार्केट का चल रहा है, अब आप बताएं, अब बहुत सारे दोस्त देखें यहाँ पे क्या हुआ जी, मार्केट ने कैंडल को ब्रेक किया, नीचे आई, फिर ऊपर गई, अब फिर नीचे आई। अब बहुत सारे दोस्त यहाँ पे सोच रहे होंगे, भाई ये दोबारा यहाँ से इस तरह ऊपर जाएगी मार्केट, इजिली यहाँ तक चले जाएगी या ऊपर तक जा सकती है। नहीं भाई, अब ये जो नॉन टेक्निकल बंदा है जिसने ट्रेडिंग को नहीं सीखा वो ये बात करेगा, लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये मार्केट यहाँ से इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर सकती, इस कैंडल को यहाँ तक जाएगी, उसके बाद दोबारा नीचे गिरेगी और अपने इस लो को भी ब्रेक कर देगी यहाँ तक, फिर इस तरह ऊपर जाएगी, फिर इससे भी नीचे। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ना ओवरऑल, वो डाउनवर्ड का चल रहा है। तो मैंने ये जो बैक पे भी ट्रेडिंग की है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली ट्रेडिंग भी मैंने सिर्फ इसी बेस के ऊपर की है कि मार्केट मुझे नज़र आ रहा था कि भाई मार्केट डाउन है, लेकिन मार्केट क्या कर रही थी, ये देखें, कुछ स्विंग्स ले रही थी अप। इस तरह अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी इस तरह ऊपर को है, ये देखें, मार्केट इस तरह मूवमेंट दे रही थी, इस तरह, ये देखें। अब मुझे पता था कि जैसे ही मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक करना है ना, तो मार्केट ने एकदम से नीचे अच्छा गिरना है, ऊपर तो मार्केट जा नहीं सकती क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड का है। और मार्केट हमेशा आपने याद रखना है, जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड का हो और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता इस तरह छोटे छोटे लोस देती है आपको, ऊपर को जा रही हो, तो देन आपने वेट करना है कि यार नीचे वाली स्पोर्ट, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है, जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी ना, आपके पास जितने पैसे हैं, मैं कहता हूँ सारे पैसे लगा दो, आपको मार्केट अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। और हमेशा जब मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड का हो लेकिन मार्केट छोटे छोटे स्विंग्स देती डाउन आ रही हो, तो फिर आपने लॉन्ग की एंट्री वहाँ पर लेनी है, फिर मार्केट एकदम से ऊपर जाएगी, आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। अब मेरे पास बेसिकली ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन पर्पस है ना, वो यही है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें ट्रेडिंग सिखा दें, ठीक है, या हमारे बच्चों को ट्रेडिंग सिखा दें, कैसे आप करते हैं। देखें यार, मैं आपको एक चीज क्लियर बताना चाहता हूं, ये बहुत अहम चीज है, जो लोग बिगनर हैं, जो अक्सर मुझे कॉमेंट वगैरह भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, देखिए ट्रेडिंग जो सीखना है ना, वो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 1 या 2 दिन का काम है, 1 या 2 दिन के अंदर, वो आप हमारा फ्री वाला कोर्स देख लो, हमारा पेड वाला कोर्स देख लो, ठीक है, उसमें 1 या 2 दिन के अंदर आप वीडियोस देख लो कि आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। अच्छा यार, ये वाली एप्लीकेशन यूज़ करनी है, ये ऐसे बाय करते हैं, ऐसे सेल करते हैं, ये चीज़ें मुश्किल नहीं है। मुश्किल जो चीज़ है इसमें वो क्या है, वो एनालिसिस करना है।
अब मैंने ये देखें, ये एनालिसिस किस बेस पे किया है मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, अब मैंने ये सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब मैंने जब मार्केट को देखा तो मार्केट मुझे नजर आया कुछ यहाँ पे साइडवेज आ रही है, कोई बड़े बड़े मार्केट स्विंग्स नहीं दे रही। मैंने जस्ट इसको यहाँ पे लाइन पे कन्वर्ट किया है। लाइन में कन्वर्ट करने के बाद देखा है कि यार यहाँ पे जो मार्केट बार बार स्विंग्स ले रही है वो कौन सा लेवल है। मैंने मार्क कर लिया कि यार ये वाला लेवल, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऑलमोस्ट ये वाला जो जोन है यहां से मार्केट, देखो मैं इस जोन को यहां पर ड्रा करता हूं, ये देखें। अब मार्केट ये वाला जोन है जहां से अगेन एंड अगेन मार्केट नीचे गिर रही है। इसी तरह मैंने मार्केट में एक नीचे भी जोन ड्रा कर लिया, कि नीचे वाला जोन जो है वो मार्केट का ये वाला है जहां से मार्केट बार बार ये देखें रिजेक्शन लेके ऊपर जा रही है। अब मुझे पता चल गया कि यार मैंने इन दो लाइन्स के दरमियान में ही ट्रेड करनी है। उसके बाद मैंने वेट करना है कि जब मार्केट इस लाइन को ऊपरी को ब्रेक करेगी, उसके बाद फिर मार्केट एकदम से ज्यादा नीचे भी गिर सकती है। देख ले, फिर मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया, अब थोड़ा सा रीटेस्ट करने गई, अब यहाँ पे रीटेस्ट करेगी, उसके बाद दोबारा इस तरह नीचे गिर जाएगी। अब ये सारी चीजें जो है ना यार, ये प्रैक्टिस से आती हैं। इसलिए जो दोस्त हमें मैसेज करते हैं कि अली भाई हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दें या कोई ऐसी चीज बता दें कि यार देखिए आपके साथ मैंने काफी ज्यादा स्ट्रैटेजी शेयर की है, वो काम भी करती हैं, मैंने उन्हें प्रैक्टिकली यूज किया, लेकिन वो आप उन स्ट्रैटेजी से तब प्रॉफिट लोगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। एक छोटा सा भी बिजनेस है ना यार, विदाउट प्रैक्टिस मेरे ख्याल से आप उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी एक छोटा सा काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तो फर्स्टली आप सोचते हो यार ऑलरेडी जो बंदा ये काम कर रहा है ना, हम उसके पास जाएं, कुछ टाइम लगा के इस बिजनेस को सीखते हैं, ये बिजनेस काम कैसे करता है, देन इसे स्टार्ट करते हैं। और ट्रेडिंग तो भाई इतनी क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं कहता हूँ, मुझे अभी 3 ईयर्स हो गए ट्रेडिंग करते हुए, तो मुझे अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी नहीं पता चल रहा कि यार ये चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं यहाँ पे। इतनी टेक्निकल चीज है, तो यार कुछ दिन के अंदर आप इसे सीख नहीं सकते। हाँ, अगर आप इसे प्रॉपर टाइम देते हो, आप 3 से 4 माह लगातार इसे देते हो, बार बार बैक टेस्टिंग करते हो, अच्छा यार मार्केट ने अभी यहां पे ये मैंने लाइंस लगाई थी, क्या परफॉर्मेंस दी है, नेक्स्ट क्या कर रही है, तो देन आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट गेन करने के काबिल हो गए। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि यार हम चंद दिन की यानी कि वीडियोस वगैरह देख के ट्रेडिंग में आ जाए, तो मैं आपको हरगिज इस चीज़ से मना करूंगा। आपने इस तरह अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, आप इससे लॉस करोगे। और सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कुछ वीडियोज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मार्केट के अंदर आजकल ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्कैम चल रहा है। कुछ लड़कियाँ उन्होंने रखी हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो आपको कहते हैं जी आप हमारी टीम के साथ आएँ, मिलें, इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको कहता हूँ यार ये 100% मार्केट के अंदर स्कैम चल रहा है। ये आपके पैसों से ट्रेड करते हैं और सीखते हैं। इट्स मीन्स के अगर सीखना चाह रहे हैं आप, तो मैं आपको कहूंगा भाई अपने पैसे मेरे साथ इन्वेस्ट करो, मैं आपके पैसों से प्रैक्टिस करूंगा, मुझे अगर लॉस होता है आपके पैसे जाने हैं, मेरा कुछ नहीं जाना। अगर प्रॉफिट होगा मैंने आपको उसमें से कुछ पैसे दे देने, अगर लॉस हो गया आपके पैसे गए, मेरा कुछ नहीं गया। तो काइंडली क्रिप्टो में अगर आप आना चाहते हैं या ट्रेडिंग की किसी भी फील्ड में, स्टॉक में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, तो आपने खुद सीख के इसको करना है, आपने किसी को पैसे नहीं देने। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, बहुत स्कैम चल रहा है, बहुत स्कैम चल रहा है, इनसे बचें, किसी को पैसे ना दें, खुद ट्रेडिंग सीखें, सीखने के बाद इसे करें। ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस मांगती है ये चीज़, तो आपकी यानी कि फोकस लेती है आपका। अगर आप इसे तवज्जा देते हो, प्रॉपर इसे करते हो, तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। उसके लिए मेरी एक चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है गोल्डन वीडियोस के नाम से ना, गोल्डन प्लेलिस्ट के नाम से। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप वो एक प्लेलिस्ट देख लें, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्रिप्टो की सीख जाएंगे फ्री के अंदर।